हेलो एवरीवन, सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में वी हैव लर्न की होल पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू फोर ब्लॉक्स, राइट? एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक होता है, एंड डी ब्लॉक में ग्रुप थर्ड से लेकर के ग्रुप 12 तक होता है। और एफ ब्लॉक दो सीरीज में डिवाइडेड है, लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज। लेंथेनाइट सीरीज में जो एटॉमिक नंबर वेरी करता है 58 से 71 तक, एंड एक्टिनाइट सीरीज में 90 से लेकर के 103 तक, राइट? इसे हम लोग 4F और इसे 5F सीरीज कहते हैं। देन बच्चों, हम लोगों ने ये भी सीखा था हाउ टू नेम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100। सो नेम के लिए सब मैंने बताया था आपको कि 0 को निल बोलते हैं, 2 को बाय, 5 को पेंट, लाइक दैट। इसके नोमेनक्लेचर में मैंने 114 का नोमेनक्लेचर रॉन्गली, गलती से इसको मैंने यहाँ पर अनिल लिख दिया था। इट शुड बी अन क्वाडियम, राइट? एंड वी हैव ऑल्सो लर्नड हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट, राइट? आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि जब पीरियोडिक टेबल में हम लोग मूव करें लेफ्ट टू राइट, ये पीरियोडिक टेबल है, अगर इसमें हम लेफ्ट टू राइट जाएं इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, सो प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं, और टॉप टू बॉटम जाएं इस तरीके से तो प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती हैं। इसका यह मतलब है कि पीरियड्स में और ग्रुप में प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? जैसे कि एटॉमिक रेडियस एंड मेटैलिक करेक्टर नॉन मेटैलिक करेक्टर ठीक है एंड एसिडिक करेक्टर बेसिक करेक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओके एंड सो ऑन। ये सारी प्रॉपर्टीज हमें चेक करना है कि लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम कैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से ये प्रॉपर्टी वेरी करती हैं, उसे बोलते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। पीरियोडिसिटी का मतलब आफ्टर सम इंटरवल। वो इंटरवल क्या होता है कि जब एटॉमिक नंबर में डिफरेंस 2 का हो, 8 का हो, 18 का, 32 का, तो कैसे प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। तो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मीन्स द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स रीअपियर एट डिफिनेट इंटरवल्स when elements are arranged in order of increasing atomic numbers. So similar properties ke elements repeat hote hain periodic table mein after certain interval. Wo certain interval kya hota hai ki aap yahan se dekh sakte ho ki lithium ka atomic number 3 hai और इसके एटॉमिक नंबर में मैं 8 जोड़ दूं तो एटॉमिक नंबर 11 होता है जो कि सोडियम का होता है। तो 8 के बाद इसमें 8 ऐड करने के बाद एक सोडियम मिला जिसकी प्रॉपर्टी लिथियम की प्रॉपर्टी से सिमिलर होती है, सेम नहीं सिमिलर होती है। तो ऐसे डिफरेंट इंटरवल के टाइम पर हमें चेक करना होता है कि कैसे प्रॉपर्टी चेंज हो रही हैं।
अच्छा चेंज क्यों होती है प्रॉपर्टीज़? द रीज़न बिहाइंड इट कि जो एलिमेंट है, मान लो एलिमेंट ए है, बी है, सी है, एलिमेंट ए के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, बी के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सी के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनकी बॉन्डिंग चेंज होती है। तो एलिमेंट्स हैव डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, सो देयर प्रॉपर्टीज ऑल्सो डिफरेंट। ये हमें सीखना है। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक एक वर्ड को बच्चों बहुत ध्यान सुनना। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल इज कॉल्ड स्क्रीनिंग और शेल्डिंग इफेक्ट। क्या मतलब है इसका? पहली बात, पहले तो एक बात आप ये समझो कि एटम्स के अंदर दो टाइप के फोर्स होते हैं, ठीक है? कौन से दो टाइप के फोर्स? दिस इज द न्यूक्लियस फर्स्ट सेल एंड दिस इज द सेकेंड सेल, राइट? जो इस सेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो नेगेटिव चार्ज हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं, और इसके बाद ये सपोज दिस इज द आउटर मोस्ट सेल, इसके इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज हैं और न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज है। सो देयर इज नंबर वन, देयर इज अ अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड रिपल्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? इनर सेल इलेक्ट्रॉन एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इन इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में रिपल्शन है और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। सो एटम के अंदर दो टाइप के फोर्स होते हैं। सो इन एन एटम अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल। अब देखो ध्यान से बच्चों, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस होने की वजह से जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को आउटवर्ड पुश करते हैं। इससे क्या होता है कि न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूर हो जाते हैं। एक बात और अपने माइंड में रखना आपको कि वी आर मोर इंटरेस्टेड इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज़ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विच डिसाइड द साइज ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस तो देखते हो आप एटम के साइज देखने के लिए। सो आउटर इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा उससे एटम के साइज चेंज होता है। इट इज़ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल रिएक्शन कि जिसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंसी वन है तो वो एक बॉन्ड बनाएगा, जिसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंसी 2 है तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि पूरे टॉपिक में हम लोग आउटर पे ही इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है? तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हैं, रिपल्सन की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं और उससे क्या होता है कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर पर कम हो जाता है। तो ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन इनर सेल इलेक्ट्रॉन एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टूवर्ड्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस को ऐसे सील कर लेते हैं, चारों तरफ से स्क्रीन कर लेते हैं जिससे कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर पे कम हो जाए। एक डायग्राम मैं और बनाता हूँ आपको। दिस इज द न्यूक्लियस, सॉरी ये न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस इज द फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल, ठीक है? थर्ड सेल में मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, 8 एंड 2, ठीक है? अब देखो ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है सारे, इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस को सील कर लिया। जब न्यूक्लियस को सील कर दिया तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर पे कम हो गया, और आउटर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो फिर आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो गया और उसका साइज भी बढ़ गया। सो एक बात है कि अगर शील्डिंग या स्क्रीनिंग इंक्रीज होती है तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। कितना अच्छा रिलेशन मिल गया यहाँ से। तो जब भी मैं कहूँ कि शील्डिंग बढ़ रही है तो ये समझना
कि इनर इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियस को कवर कर लिया है, उससे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स आउटर पे कम हो गया. सो आउटर इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द डिस्टेंस बिटवीन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस, सो साइज इंक्रीजेस एंड दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट. सो नाउ यू गॉट शील्डिंग इफेक्ट. द डिक्रीजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट है. और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से एटॉमिक साइज बढ़ता है, ये भी बिल्कुल ध्यान रखना है. ध्यान नहीं मतलब ये तो कॉन्सेप्ट है, समझ सकते हो आप. दूसरा कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं उनका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है. अब आपने अभी सीखा है कि न्यूक्लियस तो जो भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जितने भी प्रोटॉन्स हैं, वो सारे प्रोटॉन सभी इलेक्ट्रॉन को बराबर फोर्स से अट्रैक्ट नहीं करते हैं. जब सभी प्रोटॉन्स सभी इलेक्ट्रॉन को इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए हम न्यूक्लियर चार्ज को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहने लग गए, ठीक है. ये न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा किन इलेक्ट्रॉनों पे काम करेगा, जो उसके पास के इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो ये दो इलेक्ट्रॉन तो फुल न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहे हैं, तो इसके लिए तो मैं बोलूँगा न्यूक्लियर चार्ज. लेकिन ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुल नहीं फील कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही कम न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज जो बोला जाएगा उसे बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. देखो डेफिनेशन क्या है, द नेट न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड इफेक्टिव से, ठीक है. तो फिर कितना फील कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसका फॉर्मूला होता है जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड, जेड इज द एटॉमिक नंबर, यानी कि एक्चुअल कितने प्रोटॉन्स हैं और उस एक्चुअल प्रोटॉन्स का कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर पे लग रहा है, जो कि कम लगेगा. तो जितना कम लग रहा है उसको मैंने सिग्मा से सब्ट्रैक्ट कर दिया. यहाँ पे सिग्मा क्या है, शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट. तो ये कम क्यों लग रहा है, ड्यू टू स्क्रीनिंग ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है. इसकी वजह से आउटर मोस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जा रहा है, क्लियर इतना. अब इस शील्डिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे. अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो किसी एटम के अंदर 10 प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिव चार्ज और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 10 प्रोटॉन का जो न्यूक्लियर चार्ज वो 10 इलेक्ट्रॉन्स पे इक्वल नहीं लग रहा है. जो पास के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको न्यूक्लियर चार्ज, उस पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है या उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, और जो दूर इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. तो दूर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना कम है, सिग्मा से कम है. तो 10 माइनस सिग्मा हो गया, आप ये समझ लो जेड इफेक्टिव. इतना क्लियर है, थोड़ा इसमें सोचना. अब इस सिग्मा कैसे निकालते हैं, सो अभी ये पॉइंट आपको और क्लियर हो जाएगा. सो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा. नाउ हाउ टू फाइंड दिस सिग्मा. सिग्मा निकालने के लिए एक रूल होता है जिसको बोलते हैं स्लेटर रूल. बच्चों इस सिग्मा निकालने के लिए कोई क्वेश्चन आते नहीं है वैसे, बट थोड़ा सा जेड इफेक्टिव क्लियर हो जाए आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशन से सब कुछ क्लियर नहीं होता है, कुछ क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है. तो स्लेटर रूल्स होता है. अब मैं इनके 3-4 रूल्स हैं, एक भी रूल मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाओ 3-4 क्वेश्चन से, आपको पक्का याद हो जाएगा. देखो मान लो मैं फ्लोरीन के लिए निकाल रहा हूँ, और यहाँ से जेड इफेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा आपका. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इसको लिखते हो 2.7, और SPDF में क्या लिखते हो 1s2, 2s2, 2p5. बिल्कुल क्लियर है, ओके. सो जब इसका आप सिग्मा निकालोगे, शील्डिंग कांस्टेंट निकालोगे, तो आप ये चेक करते हो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कितना शील्डिंग करने में हेल्प कर रहा है, उसी शील्डिंग कांस्टेंट आएगा. सबसे ज़्यादा शील्डिंग इनर सेल के इलेक्ट्रॉन करते हैं. तो देखो ध्यान से, हम आउटर मोस्ट पर इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर निकाल रहे हैं. देखो
आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हों आउटर मोस्ट में उससे एक कम इलेक्ट्रॉन पर आपको निकालना है। जितने, देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन दिए हो ना उससे एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिस इलेक्ट्रॉन पर हम इंटरेस्टेड हैं उसको हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 0.35 होगा अकॉर्डिंग टू स्लेटर। उसके बाद इनर सेल इलेक्ट्रॉन, देखो ये सेकेंड सेल थे, इसके बाद इनर सेल, अगर लास्ट सेल n है तो इनर सेल क्या होगी n-1, उसके इनर सेल क्या होगी n-2। इसके बाद जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है यानी n-1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है, या इसको बोलते हैं पेनाल्टीमेट सेल इलेक्ट्रॉन्स। देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, उनका कंट्रीब्यूशन 0.85 होता है। अगर इसके पहले एक और होती तो फिर सबका कंट्रीब्यूशन 1 हो जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस के जितना पास होगा उतना वो शील्डिंग को कंट्रीब्यूट करेगा, या ऐसे कह सकते हो जो न्यूक्लियस के जितना पास होगा इलेक्ट्रॉन्स उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसका शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। तो ये जो 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन 0.35 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टूअर्ड्स शील्डिंग, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 0.85 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टूअर्ड्स शील्डिंग। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 2.1 प्लस 1.7, तो कितना आ गया 3.8। नाउ अब यहाँ से बात क्लियर होगी, देखो जेड इफेक्टिव जो होगा जेड माइनस सिग्मा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 9, 9 प्रोटॉन के बराबर न्यूक्लियर चार्ज है, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, माइनस 3.8 विच इज इक्वल टू 5.2। क्या समझे इस बात को, कि इसके पास 9 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 9 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 7 है, और ये 9 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज इस इन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से बराबर नहीं लग रहा है, कितने फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहा है, 5.2 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहा है, और इन इलेक्ट्रॉन को कितने अट्रैक्ट कर रहा है जो पास हैं दो, इसको पूरे पूरे 9 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज से, 9 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि नेट न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर कितना है इस इलेक्ट्रॉन पर, 5.2 प्रोटॉन के बराबर। इसका मतलब यह है ये इलेक्ट्रॉन फुल पॉजिटिव चार्ज को फील नहीं कर रहा है, या फुल पॉजिटिव चार्ज के बराबर अट्रैक्शन फोर्स को फील नहीं कर रहा है। चलो एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे Cl है, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, करेक्ट, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, एंड 2, 8, 7, इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 5+2, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है। देखो हमें सिग्मा निकालना है, इसके लिए इस पर कितने प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज है, 17 प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज है, बट ये 17 प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा 1s2 को फील होता है इलेक्ट्रॉन्स को, इसके बाद 2s2 को, 2p6 को, और सबसे कम इन इलेक्ट्रॉन्स को फील होता है। हम लोग आउटर पे इंटरेस्टेड हैं तो आउटर में जिस इलेक्ट्रॉन्स की निकाल रहे हैं उसको छोड़ करके 6 इलेक्ट्रॉन बचे, जितने आउटर में इलेक्ट्रॉन्स हों उससे एक कम का शील्डिंग में कंट्रीब्यूशन 0.3 होता है, जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स हों उससे एक कम इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 0.3 होता है। उसके बाद पेनाल्टीमेट सेल इलेक्ट्रॉन्स का या इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स का, इसे बोलेंगे n-1 इलेक्ट्रॉन्स, उनका कंट्रीब्यूशन 0.85 होगा, प्लस उसके बाद अगर और शेल है तो उसका कंट्रीब्यूशन पूरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सबसे पास वाली शेल होती है उस पर तो इलेक्ट्रॉन पूरी, उस पर तो न्यूक्लियस पूरी तरह, उसको न्यूक्लियस पूरी तरह अट्रैक्ट करता है। सो यू हैव टू सॉल्व इट, 2.1 कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, इट विल बी 6.8 प्लस 2, सो 10.9। तो व्हाट इज जेड इफेक्टिव ऑफ फ्लोरीन, 17 माइनस 10.9 विच इज इक्वल टू 6.1। अब देखो ध्यान से, क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज था, बट इफेक्टिवली
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियर चार्ज फील हो रहा है या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है वो है 6.1 प्रोटॉन्स के बराबर अप्रॉक्सीमेटली। तो सबसे ज़्यादा इस इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन को, और इन इलेक्ट्रॉन को सबसे कम फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहा है। इसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके चलो एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इतने नहीं आएंगे, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में थोड़ा आइडिया देना था, इस वजह से मैंने 3 क्वेश्चन ले लिए। सोडियम क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इसका 281। सो आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1। तो जब इसका सिग्मा निकालोगे आप लोग, तो शील्डिंग क्वेश्चन निकालोगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कितना शील्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो देखो मैंने क्या बोला, आउटर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हों उससे एक कम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0.35। तो इसमें एक ही है, उससे एक कम क्या होगा, 0 का 0.35 कंट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद इनर शेल कितने हैं, 8। इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 का 0.85। उसके बाद जो भी शेल बचती है उसका सभी का कंट्रीब्यूशन पूरा 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी 6.8 plus 2 equal to 8.8. क्लियर एकदम। सो जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा फॉर सोडियम, जेड इफेक्टिव इक्वल टू 11 माइनस 8.8, कितना आ गया, 2.1 या 2.2। ठीक आई थिंक इट विल बी 2.2 राइट। सो क्या समझे आप कि 11 प्रोटॉन्स का न्यूक्लियर चार्ज है, बट इफेक्टिवली वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, इस इलेक्ट्रॉन को 2.2 के न्यूक्लियर चार्ज से अट्रैक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब एक चीज मुझे और बता दो जल्दी से कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो साइज ऑफ एन एटम, साइज ऑफ एन एटम will increase or decrease, tell me। So effective nuclear charge अगर increase होगा तो इसका ये मतलब है कि nucleus का outer most electron पे force of attraction increase हो रहा है। तो outer most electron जो है वो nucleus की side में move करेगा, will move inside the nucleus या nucleus के पास आ जाएगा, better word है। So जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज होगा, तो साइज ऑफ एटम विल डिक्रीज। तो क्या सीखा था आपने, शील्डिंग बढ़ने से साइज बढ़ता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज घटता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आते हैं। हमने पहला सीखा स्केनिंग इफेक्ट, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। बोर मॉडल में आपने एटॉमिक रेडियस का फॉर्मूला सीखा था, 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड। देखो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कई बार हमने बताया कि न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस। तो डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है और डेफिनेशन अभी भी हम सीखेंगे, बट रियल में एटॉमिक रेडियस निकालना बहुत ही मुश्किल है। चलो थोड़ा इसके बारे में और सीखते हैं। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इज कॉल्ड साइज ऑफ एन एटम। द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस इज नॉट इजी टू मेजर। यहाँ पे मैंने डिफिकल्टीज की बात की है, बिकॉज द एटम डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री। वाई, एटम में वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है इट पजेस ड्यूअल नेचर, तो वेव लाइक मोशन हो सकता है, पार्टिकल लाइक। तो जब इस तरह के, हमें यही नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन का कब किस तरह बिहेवियर होगा, ड्यूअल है, वेव लाइक बिहेवियर है या पार्टिकल लाइक, तो एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड अराउंड द न्यूक्लियस, एंड दैट्स वाई एग्जैक्ट पोजिशन पता नहीं होगी तो हम उसके एग्जैक्ट साइज नहीं निकाल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एटम बहुत छोटा है और इतने छोटे पार्टिकल्स पे काम करना, उसको आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है। द एटम इज़ वेरी स्मॉल एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट आइसोलेटेड एटम्स।
दैट्स वाई एटॉमिक रेडियस इज स्टडीड इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस और मेटेलिक रेडियस। बॉन्डेड फॉर्म में पढ़ते हैं, एटम को किसी से बॉन्ड बना देते हैं और चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड हो, और उसके बाद उसमें निकालते हैं, क्योंकि बॉन्ड बनने से एटम की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एटम पे अप्रोच भी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कोवेलेंट रेडियस क्या है। एटॉमिक रेडियस को सीखने के सब तरीके हैं। कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? अब आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है बच्चों। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्मड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टूड? जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर एटम्स में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और थ्री शेयर कर रहे हैं तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ऑल्दो केमिकल बॉन्डिंग में सब यही है। बॉन्डिंग कैसे होती है? व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ लाइक एटम्स बॉन्डेड टूगेदर बाई ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कितनी लिमिटेशन है कि दो एटम लाइक हों, एक जैसे हों, और उनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, तब जो कोवेलेंट रेडियस होती है उनकी न्यूक्लियाई से डिस्टेंस का हाफ कर दो। वेरी सिंपल। अगर आपको Cl2 में क्लोरीन की रेडियस चाहिए तो ये क्लोरीन एटम हो गए, ये इनका न्यूक्लियस, ये दूसरा क्लोरीन एटम हो गया न्यूक्लियस, दे आर बॉन्डेड बाई अ कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्लोरीन के बीच में इससे सिंगल बॉन्ड होता है, इनके न्यूक्लियस से डिस्टेंस का हाफ, ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस होगी, इसको डायमीटर कह सकते हो, और इसको हाफ कर दीजिए तो रेडियस ऑफ क्लोरीन इक्वल टू डायमीटर ऑफ Cl, Cl डिवाइड बाई टू। तो डायमीटर अगर गिवेन है आपको, इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस, डिवाइड बाई टू कर दो तो क्लोरीन की रेडियस आ गई। अब ये मेथड है कि ऐसे निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली ये बहुत डिफिकल्ट है, बट ऐसे बता रहे हैं कि दो एटम के बीच में न्यूक्लियाई की डिस्टेंस का हाफ, दैट इज अ कोवेलेंट रेडियस। अब पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड कैसा है, आगे बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट कैसे इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम कैसे इंक्रीज होगी, वो अभी हम सीखेंगे, ठीक है। वैसे एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो टॉप टू बॉटम जब आते हैं हम लोग, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो साइज जो होता है साइज इंक्रीजेस। वाई? देखो ना, 2.1, 2.81, 2.881, ठीक है। इसमें कितने शेल हैं? 2 शेल हैं यहाँ पे, यहाँ पे 3 शेल हैं, तो नंबर ऑफ शेल क्या हो रही, बढ़ रही हैं। और यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या है? देखो लिथियम का आप जेड इफेक्टिव निकाल के देखना, लिथियम का वो कितना आएगा, चलो निकाल लेते हैं, यहीं पर 2.1 होता है, सो आउटरमोस्ट शेल है तो 0.35 इसका सिग्मा निकालेंगे, और प्लस उसके पहले सेल का 2.085 कितना आ गया, 1.7। मैंने कहा ना कि आउटरमोस्ट जितने इलेक्ट्रॉन्स उसे एक कम का कंट्रीब्यूशन 0.3, उसके बाद इनर सेल का इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 0.85, उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स हो तो पूरा 1, तो कितना आ गया इसका सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू, सॉरी जेड इफेक्टिव कितना आ गया इसका, जेड इफेक्टिव इक्वल टू 3-1.7 कितना हो गया, 0.3, ठीक है 1.3। जब आप सोडियम निकालोगे तो अभी देखा था आपने कि जेड इफेक्टिव इसका 2.2, इसके बाद सभी का जेड इफेक्टिव 2.1, 2.2 इस तरीके से आता रहेगा, तो जेड इफेक्टिव सबका लगभग कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है कि साइज, ऑल्दो थोड़ा सा डिफरेंस है लिथियम और सोडियम के जेड इफेक्टिव में, ठीक है, बट सोडियम का साइज बड़ा है 3 सेल होने की वजह से, और इसके बाद नीचे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे तो न्यूक्लियस की डिस्टेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से बढ़ती जाएगी, इसलिए ग्रुप में साइज वेरी करता है, और खासकर बिना किसी एक्सेप्शन के ग्रुप वन में, ग्रुप वन और ग्रुप टू में, तो साइज इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप विदाउट एनी एक्सेप्शन। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। तो एटॉमिक रेडियस ग्रुप वन
एटॉमिक रेडियस ग्रुप वन में डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज होती जाएगी बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगभग लगभग कॉन्स्टेंट रहता है। अब निकाल के देखना यही सब आएगा। चलो तो अभी रेडियस में वापस आते हैं, सॉरी कैसे कंपेयर करेंगे वापस आते हैं, पहले हम सीखते हैं आयोनिक रेडियस क्या होती है। देखो आयोनिक रेडियस की डिफिनेशन ज़्यादा उसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। पहले देखो आयोनिक रेडियस मतलब होता है साइज ऑफ आयंस, और आयंस कौन से होते हैं, केटायन और एनायंस। केटायन कैसे बनता है, बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एनायन कैसे बनता है, बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो जैसे कि सोडियम न्यूट्रल है ये, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए Na से Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते हैं, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो ध्यान देना, जब न्यूट्रल एटम से कीटायन बनता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अटैच कर रहे थे, अब यहाँ पर 11 प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज केवल 10 इलेक्ट्रॉन्स को अटैच कर रहा है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, या इस तरह कह सकते हो कि केटायन का जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपने पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है। ठीक है, ए प्लस का जेड इफेक्टिव ए से ज़्यादा होगा, बी प्लस का जेड इफेक्टिव बी से ज़्यादा होगा, इसलिए साइज की बात करें, ये जेड इफेक्टिव बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर साइज की मैं बात करूं तो ए का साइज फिर ए प्लस से ज़्यादा हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अटैच कर रहे हैं, यहाँ पर 11 प्रोटॉन्स 10 को अटैच कर रहे हैं, तो जब 11 प्रोटॉन 10 को अटैच करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि निगेटिव चार्ज कम है, तो फिर जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, तो साइज ऑफ एन केटायन इज लेस देन इट्स पेरेंट एटम बिकॉज ऑफ हैविंग हायर न्यूक्लियर चार्ज या ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। अब आयनिक रेडियस की डिफिनेशन क्या है, वो सिंपल है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आयन। बिल्कुल सिंपल है, इस डिफिनेशन से कुछ नहीं होना जाना है, आपको इस तरह कंपेयर करना आना चाहिए। इस पर मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लेता हूँ, देखो ध्यान से, जैसे क्लोरीन है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन मैं ऐड कर दूं तो यू विल गेट Cl माइनस। ठीक है, ये बन गया आपका एनायन, ये न्यूट्रल था। अब इसके पास 17 प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज है और 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब आप यहाँ पे आए तो 17 तो प्रोटॉन्स अभी भी हैं, प्रोटॉन में चेंज नहीं आते इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद या ऐड होने के बाद, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को अटैच करना है और यहाँ पर 17 प्रोटॉन को 17 इलेक्ट्रॉन को अटैच करना है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव ऑफ Cl माइनस इज लेस देन Cl, तो इसलिए साइज जो होगा Cl माइनस का वो Cl से ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स कम है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे। तो अगर मैं आपसे कंपेयर करूँ Cl प्लस और Cl माइनस में साइज का ऑर्डर क्या होगा, तो देखो 17 प्रोटॉन्स 17 इलेक्ट्रॉन को अटैच करेंगे, 17 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, और यहाँ पर 17 प्रोटॉन 18 को अट्रैक्ट करेंगे, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ पर है, Cl प्लस में, क्योंकि यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन्स को अटैच करना है न्यूक्लियस को, यहाँ पर 17 को यहाँ पर 18 को, सबसे कम कहाँ पर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Cl माइनस पे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर होंगे न्यूक्लियस से, तो साइज का ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम Cl प्लस, उसके बाद Cl और सबसे ज़्यादा Cl माइनस का। इस तरीके से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस और O2 माइनस,
इसमें आयनिक साइज का ऑर्डर क्या होगा, केटायन और एनायन। एक बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि केटायन का साइज अपने पेरेंट एटम से, केटायन का साइज न्यूट्रल एटम से छोटा होगा और एनायन का साइज बड़ा होगा, क्योंकि एनायन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम और केटायन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। अब देखो, सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने इसमें 11 और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10। क्यों 11 होते हैं, एक चला गया। यहाँ पर 12 प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर 13 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 और यहाँ पर 8 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। क्यों, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो नेगेटिव चार्ज को आप ऐड कर दो तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, सो अब सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बराबर हो गए, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। अब इसको कुछ बच्चे ऐसे बोल देते हैं कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो इनके साइज बराबर होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बराबर हैं बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग है। देखो यहाँ पर 13 प्रोटॉन का न्यूक्लियर चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर है, तो सबसे छोटा साइज Al3+ का हो गया, उसके बाद Mg2+ का एंड उसके बाद Na+ का, और सबसे ग्रेटर साइज जो होगा वो ऑक्सीजन का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर 8 प्रोटॉन टू अट्रैक्ट स्ट्रांगली 10 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। तो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ आयोनिक साइज, आयन्स है ना, तो इसका नाम हो जाएगा आयोनिक साइज। ठीक है, और ये किसका ऑर्डर हो जाएगा इसमें, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, O2- N3- C4- और F- में आपको साइज का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो। इसमें देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो आ गए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन अभी कितने हैं 8 प्रोटॉन्स। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, 7 होते हैं 3 10, यहाँ पर 7 प्रोटॉन्स। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन में 6 होता है ना, 4 नेगेटिव ऐड कर दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं 6। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स फिर से, बट प्रोटॉन कितने हैं 9। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फिर से हो गए। तो फिर यहाँ पर 9 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 8 प्रोटॉन्स, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6। तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पे, कार्बन पे, तो इसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद N3- का, फिर O2- का और 4- N3- O2- और F-, दिस इज द आयनिक साइज इन F-, C4-। यहाँ पर समझ गए आप लोग, यहाँ पर 6 प्रोटॉन्स के लिए डिफिकल्ट है टू होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन विल मूव फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड साइज विल इंक्रीज।